Hello everyone, now we are going to discuss about the major groups of mammals, that is Prototheria, Metatheria and Eutheria. आपको पता है mammals क्या होते हैं? Mammals को other chordates से हम कैसे distinguish कर सकते हैं, जैसे कि presence of hair in skin, presence of mammary gland in females, ठीक है, जो कि young one को nourish करती हैं. दो character major ऐसे हैं mammals के, दो other classes जैसे कि reptilia, birds, इनसे मैमल्स को अलग करते हैं. और मैमल को थ्री मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. ठीक है, थीरिया का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, प्रोटो का मीन्स प्रिमिटिव टाइप के वाइल्ड एनिमल, जिन्हें हम प्रोटोथीरिया कहते हैं. देन मेटाथीरिया बीच वाले, देन यूथीरिया ट्रू मैमल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोथीरिया क्या होते हैं. तो जैसे आपको पता है कि मैमेलिया एक क्लास है, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, या मैमेलिया एक क्लास है, और इस क्लास को फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टू सब क्लासेस में. वन इज़ प्रोटोथीरिया, सेकेंड वन इज़ थीरिया. सबसे पहले आप ये याद रखिए. ओके, प्रोटोथीरिया में क्या आता है? प्रोटोथीरिया इंक्लूड फोर एक्सटिंक्ट ऑर्डर एंड लिविंग मोनोट्रीम्स. दैट मीन्स जो प्रोटोथीरिया सब क्लास है, उसे टोटल फाइव ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से फोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, फोर ऑर्डर एक्सटिंक्ट उसके मेंबर हैं, वो फॉसिल फॉर्म में ही हैं, वो लिविंग में नहीं है. जबकि जो अनदर ऑर्डर है, उसमें लिविंग एज वेल एज फॉसिल हैं. तो उसमें से जो लिविंग हैं, उसे हम कहते हैं मोनोट्रीमेटा, या मोनोट्रीमेटा ऑर्डर का नेम हो गया, और जनरली हम उन्हें मोनोट्रीम्स कह देते हैं. ठीक है, तो प्रोटोथीरिया के जो फाइव ऑर्डर हैं, उनमें से केवल मोनोट्रीम लिविंग हैं. ठीक है, मोनोट्रीम में भी फॉसिल आते हैं, लेकिन इसमें दो मेंबर लिविंग हैं. और मोनोट्रीम का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, ट्रीम्स का मतलब होल या ओपनिंग. तो इनमें केवल एक ओपनिंग होती है बॉडी में, फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, यूरिनरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब के लिए केवल एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए इन्हें मोनोट्रीम्स कहा जाता है. ठीक है, दे आर ओनली एग लेइंग मैमल्स. मैमल्स की पूरी क्लास में जो मोनोट्रीम्स हैं, ये ही केवल एग लेइंग मैमल्स हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि ओवीपेरस. अगला है, दे हैव सिंगल ओपनिंग, देयर यूरिनरी, डिफेक्टरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल ओपन्स इनटू ए सिंगल डक्ट कॉल्ड क्लोका. ठीक है, इनका जो ओपनिंग है, यूरिनरी, डिफेक्टरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग होता है, एक सिंगल डक्ट में ओपन होता है, जिसे हम क्लोका कहते हैं. ठीक है, तो क्लोका प्रेजेंट किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोट्रीम्स का, क्योंकि मोनोट्रीम्स नेम इसी से बना है. ओके, अगला है, दे हैव नो डिफाइंड निप्पल्स. आपको पता है क्लास मैमेलिया का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? कि यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड होती हैं. तो मेमोरी ग्लैंड हमारा प्रोटोथीरियंस में भी होंगी, लेकिन यहाँ पर डिफाइंड निप्पल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. एंड दे एक्सक्रीट मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड वाया ओपनिंग इन देयर स्किन. ठीक है, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड डिफाइंड स्ट्रक्चर, निप्पल लाइक का स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि इनकी छोटी छोटी मेमोरी ग्लैंड स्किन में ओपन होंगी. ठीक है, अगला है, ऑल स्पीसीज आर जनरली लॉन्ग लिविंग. जनरली इन्हें लॉन्ग लिविंग माना जाता है, इनका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मैमल. ओनली टू लिविंग मेंबर एग्जिस्ट, वन इज प्लेटिपस एंड सेकेंड वन इज इकाइना. ठीक है, प्लेटिपस एंड इकाइना दो इसके इम्पोर्टेंट लिविंग मेंबर हैं, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटेंड, दैट मीन्स की एक्सटेंड, जो अभी फॉसिल फॉर्म में हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कहते हैं, जबकि जो लिविंग में होते हैं, उन्हें एक्सटेंड कहते हैं. ठीक है, तो प्लेटिपस और इकाइना यहाँ पे दो लिविंग फॉर्म हैं प्रोटोथीरियंस के, और वो भी मोनोट्रीम फॉर्म में. ठीक है, मोनोट्रीम ऑर्डर के, बाकी फोर ऑर्डर हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अगला है, प्लेटिपस फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, लिव्स मच टाइम इन वाटर. प्लेटिपस जनरली एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया का, और ज़्यादातर टाइम वाटर में ही रहता है. ठीक है, तो ये था प्रोटोथीरिया, प्रिमिटिव वाइल्ड एनिमल. उसके बाद हमारा सेकेंड सब क्लास मेमेलिया की क्या है, ये देखिए. यहाँ पर जो फिगर दिए हैं, ये प्रोटोथीरियन के एग्जांपल ये ही हैं. सबसे फर्स्ट वाला फिगर देखिए, वो प्लेटिपस का है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है. ये एक प्रोटोथीरियन मैमल है, या हम कह सकते हैं मोनोट्रीम. प्लेटिपस इज ए मोनोट्रीम मैमल्स. और जो तीन अदर फिगर दिख रहे हैं आपको, ये तीनों इकाइना के हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं. ठीक है, इसकी चार स्पीसीज हैं यहाँ पे, तीन को शो किया गया है, चार लिविंग स्पीसीज हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट स्पीसीज हैं इकाइना की, और एक है प्लेटिपस का.
उसके बाद हम आते हैं थीरिया में। सब क्लास थीरिया को डिवाइड किया गया है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया में। सबसे पहले थीरिया को हम प्रोटोथीरिया से अलग कैसे करेंगे? हमारा प्रोटोथीरियन जो थे वो ओवीपेरस थे, जबकि थीरिया हमारे वीवीपेरस हैं। दैट मीन्स कि ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, एग नहीं देते हैं, ठीक है, सेल्ड एग ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद है द यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन सेपरेटली। दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर प्रोटोथीरियन से थीरियन का क्या है कि यहाँ पे जो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेपरेटली ओपन होता है। दैट मीन्स कि सेपरेट डक्ट्स होंगी या सेपरेट होल यहाँ पे होगा, एंड दैट मीन्स क्लोका अब्सेंट, क्योंकि क्लोका हम किसे कहेंगे जहाँ पे सारी ओपनिंग एक ही डक्ट में होंगी, तो यहाँ पे क्लोका अब्सेंट होगा। एंड सब क्लास थीरिया डिवाइडेड इंटू टू इन्फ्रा क्लासेस, वन इज मेटाथीरिया, सेकेंड वन इज यू थीरिया। सबसे पहले हम मेटाथीरिया को डिस्कस करेंगे जो इसके बीच का है, प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया के बीच का मेटाथीरिया। मेटाथीरिया को हम कहते हैं पाउज्ड मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स। पाउज्ड मैमल और मार्सुपियल मैमल क्या क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। मार्सुपियल्स इमर्ज एज टाइनी एंड हेयरलेस क्रॉल्स इनटू मार्सुपियल पाउच वेयर इट लैचेज ऑनटू ए मेमरी ग्लैंड निप्पल एंड कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता है वो एग के योक प्रोटीन से होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है, प्रोटोथीरियन में भी प्लेसेंटा नहीं होता, लेकिन हम इन्हें पाउज्ड मैमल क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं एग तो नहीं देते। हमने पढ़ा कि ये वीवीपेरस हैं थीरिया दोनों, यूथीरिया एंड मेटाथीरिया। दैट मीन्स कि ये एग तो नहीं देते हैं सेल्ड एग, लेकिन यहाँ पे जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो अनडेवलप्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। दे इमर्ज एज टाइनी एंड हेयरलेस, ये बहुत छोटे इमर्ज होते हैं और हेयरलेस होते हैं। एंड क्रॉल्स इंटू मार्सुपियल पाउच। मार्सुपियल पाउच क्या होता है, एब्डोमन, नियर एब्डोमन वहाँ पे एक पाउच होता है फीमेल्स में, मेटाथीरियन फीमेल्स में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मार्सुपियल पाउच, वेयर इट लैचेज ऑन टू ए मेमरी ग्लैंड, उससे मेमरी ग्लैंड को सक करते रहता है काफ़ी टाइम तक जब तक कि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, एंड कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, वहीं पे इसका डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। दैट मीन्स कि अनडेवलप्ड को ही प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले, देन मार्सुपियल पाउच में उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइदर पाउज्ड मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स। ये थोड़ा यूनिक करेक्टर है मेटाथीरियंस का, ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है मैमल्स में। एंड एम्ब्रियो नरिश्ड बाई योक ऑफ एग, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो नरिश होगा वो योक प्रोटीन ऑफ एग से नरिश होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा अब्सेंट होगा। मोस्ट स्पीशीज ऑफ मार्सुपियल लीव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ये भी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के लिए एंडेमिक हैं, वहीं ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल हैं डाइडेल्फिस, मैक्रोपस एंड कोला बियर, ठीक है, एक कोला बियर है, ट्रू बियर नहीं है, अभी मैं फिगर में आपको दिखा दूंगा। कंगारू है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेटाथीरियन का, और डाइडेल्फिस ओपोसम जिसे हम कहते हैं, ये तीन मैमल्स मेटाथीरियन में आते हैं, और भी बहुत सारे मेटाथीरियन हैं लेकिन ये कॉमन एग्जाम्पल है मेटाथीरियन के, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, थीरिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। यहाँ पे वीवीपेरस होते हैं, क्लोका अब्सेंट होता है, दैट मीन्स कि सिंगल ओपनिंग नहीं होती है, सेपरेट होती है। और अब हम देख लेते हैं मेटाथीरिया के एग्जाम्पल, ये हैं यहाँ पे मेटाथीरिया के एग्जाम्पल। फर्स्ट वाला जो आपको फिगर दिख रहा है वो डाइडेल्फिस का है, सेकेंड वाला कंगारू का, और थर्ड वाला कोला बियर का, ठीक है, ट्रू बियर नहीं है, ये क्या है, मेटाथीरियन है, जहाँ पे पाउच होगा, हमारे एब्डोमिनल पाउच हमें देखने को मिलेगा, ये प्लेसेंटर मैमल में नहीं आएगा ट्रू बियर की तरह, ये आएगा हमारा पाउच्ड मैमल्स में। और जो सबसे लेफ्ट साइड आपको नीचे बॉटम में फिगर दिख रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कितने टाइनी प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर जो डायग्राम या फिगर दिख रहा है आपको ये मार्सुपियल पाउच का ही है। मार्सुपियल पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड वहाँ पे सक कर रहा है टाइनी जो यंग वन प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जो कि हेयरलेस है और टाइनी है, आपने पढ़ा था अभी। तो इतने छोटे प्रोड्यूस होते हैं और इनका सारा डेवलपमेंट आगे फिर मार्सुपियल पाउच में ही होता है। बीच वाले में कंगारू में आपको दिख रहा होगा मार्सुपियल पाउच, वहाँ पर यंग वन दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला है सेकेंड सब क्लास यूथीरिया।
इन्फ्रा क्लास, सॉरी सब क्लास हमारी प्रोटोथीरिया और थीरिया हैं, जबकि थीरिया की दो इन्फ्रा क्लासेस हैं, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे यूथीरियन को। यूथीरियन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल मैमल, जो सबसे डोमिनेंट मैमल्स का ग्रुप है। दैट मीन्स कि ट्रू मैमल्स हम इन्हें ही कहते हैं। द एंटायर डेवलपमेंट फॉर्म्ड विद इन यूट्रस, यहाँ पे अनडेवलप्ड टाइप के प्रोड्यूस नहीं होते, जबकि पूरा डेवलपमेंट हमारा यूट्रस के अंदर ही होता है। ह्यूमन इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। द एम्ब्रियो नरिश्ड बाई प्लेसेंटा दैट ब्रिंग्स कॉन्टैक्ट बिटवीन फीटस ब्लड स्ट्रीम एंड मदर्स ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा फंक्शन करता है न्यूट्रिशन का बिटवीन मदर एंड फीटस। मोस्ट स्पीसीज ऑफ मैमल लिविंग टूडे इज प्लेसेंटल मैमल्स, जो मोस्ट स्पीसीज मैमल का नंबर है वो प्लेसेंटल मैमल्स ही हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है ब्लू व्हेल, बेलेनोप्टेरा, गंगा डॉल्फिन, एशियाटिक लायन, टाइगर, ह्यूमन, ईटीसी, सारे जितने भी रोडेंट हैं सारे यूथीरियन हैं, इसलिए इनका नंबर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर नीचे फिगर में आपको गंगा डॉल्फिन दिखाया गया है। गंगा डॉल्फिन कैसा है, एक प्लेसेंटल मैमल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट इसके ह्यूमन का यूट्रस के अंदर ही होता है, और ये ट्रू मैमल्स है, ह्यूमन वाली कैटेगरी में ही आती है गंगा डॉल्फिन में। और दूसरा ब्लू हेल भी इसी कैटेगरी में आती है, इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे डाले हैं। अदर एग्जांपल आप इजीली पता कर सकते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, एशियाटिक लायन, सारी चीज़ें, एलिफेंट, सब इसी में आएंगे यूथीरियन में, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास मैमेलिया के बारे में। तीन मेजर ग्रुप हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव टाइप के हो गए, जहाँ पे प्लूवा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ओपनिंग में होगा, इसलिए इसका नाम मोनोट्रीम रखा गया है, मोनोट्रीम, ठीक है। प्लेटिपस और इकाइना इससे बिलोंग करेंगे, हमारा मोनोट्रीम से या प्रोटोथीरिया में, हम दोनों में भी किसी में भी कह सकते हैं। ये आपको एग्जांपल दिख रहा है। उसके बाद है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में पाउस्ड, इन्हें हम कहते हैं पाउस्ड मैमल्स। यहाँ पे एक एब्डोमिनल पाउच होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट आधा वहाँ पे होता है, ठीक है, यंग वन का। कंगारू इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए। और थर्ड है यूथीरियन, जो इसे हम प्लेसेंटल मैमल कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। और एग्जांपल याद रख लीजिए, ब्लू हेल और गंगा डॉल्फिन इसी के मेंबर हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।